लेकर हुए लॉकडाउन के बाद महानगरों में फंसे लोग अब भी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। सख्ती के चलते वाहनों की आवाजाही पर लगी पाबंदी के कारण अब परेशान लोगों ने पैदल ही अपना घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। वह परिवार के साथ पैदल ही लंबा सफर तय कर रहे हैं। ऐसे आने जाने वाले अनेक पैदल जा रहे भूख प्यासे बिहालों की लाखनी यंग ग्रुप तथा थानेदार पीआई मंडलवार इनके मार्गदर्शन में कमांडर सुरेश अतराम, यंग कमेटी ग्रुप नौशाद सैयद, रियाज शेख, नजीर छवारे, मोहन निर्वाण, आरिफ मिर्जा, इन्होंने लाखनी शहर से गुजरने वाले वैसे ही ट्रक चालकों के खाने पीने की व्यवस्था की। इसके साथ ही शहर के जरूरतमंद लोगों को 29 मार्च से लेकर जब तक लॉकडाउन जारी है तब तक खाना खिलाने की जिम्मेदारी ली है। देश में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के बाद रेल व बस आदि परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बंद होने के कारण दूसरे प्रांतों में फंसे लोग अब भी अपने घरों तक पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। उन लोगों ने बताया कि पिछले दो दिनों से उन्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला है और न ही कोई वाहन की व्यवस्था हुई है। ऐसे में वह लोग मजबूरन पैदल ही सफर तय कर रहे हैं। भूखे प्यासे राहगीरों को खाने पीने की व्यवस्था की, कड़ी धूप में राहगीरों के खाने पीने की व्यवस्था करना, सच में यह कार्य सराहनीय है। इस दौरान लाखनी पुलिस का भी पूर्ण सहयोग रहा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।